हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूँ रिचिक और आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में दो डायगोनल मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, मेक श्योर आपने हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है। इससे हमारे बनाए हुए सारे क्लास नोट्स, DPPs, माइंड मैप्स आप तक समय पर पहुँचते रहेंगे। इसके अलावा हमारे वेबसाइट www.anandmani.com पर सारे मटेरियल्स आप फ्री में रजिस्टर करके एक्सेस कर सकते हो। तो आई होप आप सब उसका फ़ायदा उठा रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट। डायगोनल मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कैसे हम निकालते हैं? पहले हम एक 2x2 मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स को दूसरे 2x2 डायगोनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। सो वी सी दैट जब हम डायगोनल मैट्रिक्स बनाएंगे, इसका जो पहला एलिमेंट होगा वो हम D1 और C1 को मल्टीप्लाई करेंगे और 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास बचेगा यहाँ D1 C1। उसके बाद दूसरे एलिमेंट के लिए यहाँ पे जो एलिमेंट आता है उसके लिए हमें D1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है और 0 को C1 से मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो हमारे पास आएगा क्या, एनीथिंग टाइम 0 इज 0, तो यहाँ 0 ही आएगा। फिर उसके बाद यहाँ वाले एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, 0 C1 D1 0, 0 इंटू समथिंग प्लस समथिंग इंटू 0, ये 0। और उसी तरह जो लास्ट एलिमेंट है वहाँ पे हम 0 टाइम 0 प्लस D2 टाइम C2 करेंगे, तो हमारे पास बचेगा D2 C2। बड़ी मज़ेदार सी चीज़ हुई बच्चों, क्या हुआ कि जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो गए, एक नया डायगनल मैट्रिक्स ही हमारा प्रोडक्ट भी आया, जिसके इंडिविजुअल डायगनल एलिमेंट्स आर प्रोडक्ट ऑफ आर ओरिजिनल डायगनल एलिमेंट्स। क्या ये 3x3 में भी होगा? ऐसा क्यों हो रहा है ये समझते हैं हम पहले। बच्चों जब भी हम मल्टीप्लाई करें ना, फॉर एग्जाम्पल रो आई को हम jth कॉलम से मल्टीप्लाई करें, से थर्ड रो को हम सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या मिसमैच है। तो ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स तो हमारे 0 हैं, एक्सेप्ट वन एलिमेंट जो एक रो में होगा और वन एलिमेंट जो एक कॉलम में होगा। अब फॉर दिस प्रोडक्ट टू बी 0, इस रो एलिमेंट को और इस कॉलम एलिमेंट को सेम पोजिशन पे होना पड़ेगा ताकि वो आपस में मल्टीप्लाई हो। नहीं तो क्या होगा कि अगर हमारा सेकेंड एलिमेंट है रो में जो नॉन जीरो है और थर्ड एलिमेंट है कॉलम में नॉन जीरो, तो जो सेकेंड एलिमेंट ऑफ रो है वो सेकेंड एलिमेंट ऑफ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट ऑफ कॉलम जो है वो 0 है। और उसी तरह थर्ड एलिमेंट ऑफ जो कॉलम है वो सेकेंड एलिमेंट ऑफ सॉरी वो थर्ड एलिमेंट ऑफ रो जो कि 0 है उसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। तो हमें मैच करना पड़ेगा, रो नंबर और कॉलम नंबर मैच करना पड़ेगा फॉर द प्रोडक्ट टू बी नॉन जीरो, अदरवाइज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी 0। तो दैट मीन्स कि जब भी हमारा बनता है ये से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे प्रोडक्ट में जो एंट्री आएगी वो 0 आएगी। उसी तरह सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया 0 आएगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया 0 आएगा, थर्ड रो को फर्स्ट या सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा। तो बचेगा क्या, बस डायगोनल एलिमेंट्स पे ही हमारे नॉन जीरो एलिमेंट्स आएंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स फॉर श्योर द प्रोडक्ट। सॉरी, आपको आई होप क्लियरली दिख रहा हो हर चीज। और जो डायगनल एलिमेंट होंगे वो भी कितने होंगे बच्चों? तो भाई फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो डायगनल एलिमेंट हमारा यहाँ से A1 और यहाँ से B1 आया, वो बना। उसी तरह सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो डायगनल एलिमेंट हमारे A2 और B2 से आया, तो B1 है। और उसी तरह यहाँ पर A3 B3 आया। इनफैक्ट इस चीज़ को हम जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे कि जब भी दो डायगनल मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक नया डायगनल मैट्रिक्स ही प्रोडक्ट भी है, जिसके इंडिविजुअल डायगनल एलिमेंट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ द ओरिजिनल डायगनल एलिमेंट्स। और उसको हम जनरलाइज करेंगे ऐसे कि एक N x N मैट्रिक्स है डायगनल, जिसके एंट्रीज है λ1 λ2 up to λ n, और एक दूसरा N x N मैट्रिक्स है वो भी डायगनल है μ1 से λ n। तो क्या होगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक N x N डायगनल एलिमेंट होगा, जिसके डायगनल मैट्रिक्स होगा जिसके डायगनल एलिमेंट्स क्या होंगे, λ1 μ1 λ2 μ2 up till λ n μ n, और बाकी सारे ही एलिमेंट 0 और 0 होंगे। ऐसे बड़े 0 से हम क्या दिखाते हैं कि बचे हुए सारे एलिमेंट 0 है ना। तो आई होप ऑल दिस इज क्लियर, आई होप आपने कुछ सीखा। अगर सीखा तो हमें एक लाइक करके बताएं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हम ताकि ऐसे और वीडियोज आपके लिए बना पाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे वीडियोज आगे भी आप तक समय पर पहुंचते रहें। इसके लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों।